संसद में गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ और अब इस पर शुक्रवार से चर्चा शुरू होगी। आमतौर पर नई लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पत्र में विवादित मुद्दों को छुआ नहीं जाता, लेकिन इस बार जैसे सरकार की तरफ से परंपराएं तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब अभिभाषण में भी वो मुद्दे जोड़ लिए गए जिनका जिक्र जरूरी नहीं था। इसे लेकर हंगामा मचा। तो क्या रहा राष्ट्रपति के अभिभाषण में खास, देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार को सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अपनी सरकार के किए गए कामों पर बात करते हुए अगले 5 सालों के लिए रोडमैप पर बात की। राष्ट्रपति ने तमाम बातें की, लेकिन उन मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी जो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सेना के आधुनिकीकरण की बात की, स्थानीय कंपनियों से रक्षा सौदे को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन अग्निवीर पर चुप्पी साधे रखी, जबकि लोकसभा चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। राष्ट्रपति ने पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही, लेकिन महामहिम ने नीट का कोई जिक्र नहीं किया। इस दौरान सदन में जब पूर्वोत्तर में शांति की बात कही तो विपक्ष ने सवाल उठाए कि राष्ट्रपति मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने मुफ्त राशन की योजना पर भी सरकार की पीठ थपथपाई, तेज आर्थिक विकास की बात भी कही, लेकिन महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अभिभाषण में किसानों के मुद्दे पर कई दावे किए गए। किसानों की तो फसलों के लिए MSP में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की बात की गई, लेकिन किसान MSP की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे, उस MSP की गारंटी पर कुछ भी साफ रुख नहीं दिखाया। राष्ट्रपति ने कई और मुद्दों पर बात की, जिसमें सफल चुनाव पर चुनाव आयोग की पीठ थपथपाई तो देश को स्टार्टअप के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचने की उपलब्धि को भी गिनवाया, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने निराशा जताई और कहा कि इसमें भविष्य के रोडमैप की कोई भी झलक नहीं दिखाई दी। DB Live की रिपोर्ट।